करनमन करो महान आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सा मंगलमय सुख सा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं चाहती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अनंत सिद्ध परमात्माओं को श्रद्धा में स्थापित करता है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही अनंत काल के लंबे भ्रम से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान का दीपक जब प्रज्वलित होता है, अज्ञान का अंधकार दूर होता है, मिथ्यात्व की अनादिकालीन बीमारी दूर होती है। सदगुरु को वैद्य कहा, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, उनके पास जाओगे वो तुम्हें देख करके ही तुम्हें पहचान लेंगे। यदि आंख वाला अंधे को नहीं पहचानेगा तो फिर दूसरा और कौन पहचानेगा? फिर तुम कितने शांत होकर के यहां बैठे हो, मगर तुम्हारी असलियत को वो जानता है। तुम न हिलते हो न डोलते हो, तुम बगुले की भांति एकाग्र होकर यहां बैठे हो, मगर जैसे अभी कहा, तुम्हारा मन तो बंदर की भांति दौड़ रहा है, उछल कूद कर रहा है। कोई स्वीकार करता है और कोई स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करता है वो टिक जाता है और इलाज करा लेता है, जो स्वीकार नहीं करता वो भटक जाता है। मिथ्यात्व की बीमारी, ये मिथ्यात्व का कैंसर जानलेवा। प्रति समय मरण तो हो रहा है, प्रति समय भाव मरण तो हो रहा है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है तब तक पर्याय में एकत्व है। पर्याय में एकत्व है और पर्याय मरती है तो मानता है मैं मरा तो भाव मरण हुआ। इसलिए जब तक ये बीमारी है
तब तक प्रति समय मृत्यु है। और ये मिथ्यात्व की बीमारी दूर हुई, फिर ऐसी दशा प्रकट हुई। ये बीमारी बीमारी कम है, भ्रम ज्यादा है। सच कहूं तो ये बीमारी बीमारी भी नहीं है, एक भ्रम, एक सपना ही है। एक कैंसर की बीमारी हो, डॉक्टर तुम्हें दवाई दे, थेरेपी कर, इलाज कर, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं, क्योंकि बीमारी है। जो बीमारी है तो बीमारी को दूर होने के लिए काल तो लगेगा, 2-4 साल लग जाते हैं, कभी कभी तो ठीक भी नहीं हो पाते, मर जाते हैं। मगर यह मिथ्यात्व कैसा कि जिस समय पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना हुई, जिस समय तुम अंतर्मुख हुए, अंतर्मुख हुए कि मिथ्यात्व गया, कहां गई बीमारी? सच तो कहो, वो बीमारी नहीं थी, एक भ्रम था। तुम स्वस्थ हो, सदाकाल स्वस्थ हो, क्योंकि स्वयं की सत्ता को छोड़ करके तुम कहां गए? तुम जहां जाओगे, अपने से दूर कहां जाओगे? अपने से दूर ही तुम नहीं जा सकते, तुम चाहे जहां चले जाओ अपने से दूर न जा सकोगे। और जिसके बारे में मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने से दूर न जा सकोगे, उसी की अनुभूति कि वही मैं हूं कि तुमने पाया, वही मैं, अपने से दूर तुम जा न सकोगे। और मैं अपने से दूर हूं, यही तो भ्रम है, यह मान्यता ही तो भ्रम है कि मैं अपने से दूर हूं। क्योंकि यदि तुम अपने से दूर हो और तुमने माना कि मैं अपने से दूर हूं, तो तुम सम्यक दृष्टि हुए, तुम सत्य श्रद्धानी हुए, तुमने जैसा है ऐसा मान लिया, तुम ज्ञानी हो गए क्योंकि तुमने सत्य को माना। मगर तुमने सत्य को नहीं माना, सत्य कुछ और है, तुम मान रहे हो कुछ और। सत्य यह है कि तुम अपने से दूर नहीं हो और तुम मानते हो कि मैं अपने से दूर हूं, मुझे अपने में जाना है, बस यही तो भ्रम है। और वह भ्रम दूर होता है सत्संग से। त्रिकाल सत चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा की स्पर्शना से, निर्विकल्प अनुभूति से वह भ्रम तुम्हारा दूर होगा पूरी तरह से। ज्ञान का दीपक जब प्रज्वलित होता है तब ऐसी दशा प्रकट होती है। एक समय में मिथ्यात्व की गठान निकल गई। गठान कहां गई? खोजोगे तो मिलेगी नहीं, जैसे रस्सी में गांठ लग जाए और फिर तुम उस गठान को ठीक करना चाहो कि ये गठान को निकालो निकालो, आ गांठ लागी गई छे ने काढ़ी छे, अने गांठ ने काढ़ो काढ़ो काढ़ो, गांठ हम करी, गांठ निकली गई, और फिर ढूंढो कहां गई वो गठान, वो जो निकल गई वो कहां, निकल के कहां गई? वो थी ही नहीं, वो रस्सी ही थी, रस्सी ही उल्टी सुलटी थी जिसे तुम गठान कहते थे। ऐसे ही मिथ्यात्व और कुछ भी नहीं है, श्रद्धा का ही उल्टा सुलटा रूप है। जैसे ही श्रद्धा सुलट गई कि तुम मिथ्यात्व को पाओगे नहीं, कहां गया मिथ्यात्व, क्योंकि वो तो भ्रम है। तुम स्वस्थ हो, तुम स्वमिस्थित हो, स्वमिस्थित होता है वह स्वस्थ होता है। प्रत्येक आत्मा स्वमिस्थित है, और ऐसी अनुभूति के लिए तुम यहां आए हो। वो अनुभूति उससे कम में राजी मत होना। एक तो ऐसा आदमी जो पशु की भांति जीवन जीता, बिल्कुल बेहोश, कोई बोध नहीं अपने बारे में, चींटी कुत्ता बिल्ला बिल्ली
ये सब देखो। उसे बोध मैं कहाँ जा रहा हूं, मकोड़ा हो या आम चलता है, खबर नहीं। कई बाजू जाओ, तुम उसे दूसरी दिशा में भेजते हो, वो तुम्हारे सामने आता है, फिर तुम उसे भगाते हो, वो तुम्हारे सामने आता है, उसे कोई नहीं। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है जानवर की भांति, जिन्होंने शरीर तो मनुष्य का धारण किया है मगर पशु की भांति वे जीवन जी रहे हैं, और वही उनका जीवन है। मरते दम तक वो बाहर नहीं निकल सकते। खदान में सोना पड़ा है, मिट्टी को पता नहीं होता मिट्टी किधर है। मिट्टी मिट्टी, उसमें प्राण है, वो जीवित है। बेजुबान पर्वत, वो बेजुबान है, बेजान नहीं, उसमें जान है। हीरा सोना चांदी, वनस्पति हवा, इनमें जान, मगर उन्हें पता नहीं। कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं, इनके साथ रह रह करके उनके साथ ही जी करके वो उनके जैसे हो जाते। मिट्टी के साथ रह करके उनका जीवन ही मिट्टी हो जाता है, फिर वो मिट्टी सोना हो या चांदी हो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तुम जीवन में अंतिम सांसें गिनते होगे, तुम्हारे शरीर पर ऐसे सोने का ढेर होगा, तब तुम तड़पते रहोगे, क्या करूं अब मैं, एक सांस बढ़ाई नहीं जाती। मगर तुम समझते नहीं हो, उस समय न होगी ये पुकार, अभी तुम जागो चेतो। जो समझ गया वो समझ गया, बस बस वो समा गया, वो समा गया, समझ गया इसलिए समा गया, फिर वो फैलता नहीं। इसलिए मैंने कहा पूरी पृथ्वी के भ्रमण के पश्चात मैं इस नतीजे पर पहुंचा, भटकने में सार नहीं। दुनिया का नक्शा लाओ और जहां भी तुम उंगली रखोगे उस देश में मैं गया, तुम प्रयोग करो, मगर सब जगह जाकर के मैंने पाया सिमटने में भलाई, अब एकांत में भलाई, अब और अधिक क्या कहें। पशु की भांति जो जीवन जी रहे, उनसे बेहतर तो वे पशु है, कम से कम पशु है और पशु की भांति जी रहे। तुम तो मनुष्य होकर पशु की भांति जी रहे हो, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं वन विहारी हूं, पशुओं के साथ में रहना बेहतर है। मनुष्य होकर जानवर की भांति जीवन जीने वाले की तुलना में बेहतर यही होगा। मगर फिर वो पुकार तो होगी मगर प्राण ना होंगे, यहां यहां वाणी तो बरसेगी। मगर वाणी में स्मृति होगी, स्मरण होगा और कुछ नहीं। समय अब निकट आया, उस समय अत्यंत आनंदित हूं, रो धो करके नहीं, मुंह लटका करके नहीं, मैं अनंत सिद्धों से मुलाकात करने जा रहा हूं। ये तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर जैसे तुम मुझे स्टेशन पर मिल गए, और एक बार मैंने और पुकार लिया, फिर मैं निकला, अभी ट्रेन छूटी। अब समय आ गया है, जीवन की अनित्यता की असारता के पूरी तरह से उस बोध के बल पर
अनुभूति आत्मानुभूति, आत्मानुभूति होती है, अकारण की अनुभूति होती है, उसका कोई कारण नहीं, वो सहज है, सहज अकारण, वो द्रव्य ही ऐसा है अकारण, अकार्य कारण तो शक्ति संपन्न, वो अकार्य अकारण, वो कार्य भी नहीं वो कारण भी नहीं, ऐसा द्रव्य अकारण अकार्य। 47 शक्ति में ये शक्ति कही, अकार्य कारण की शक्ति, अनुभूति अकारण की है, मगर अकारण की अनुभूति सकारण है, कोई कारण था, वो कारण क्या था कि ये संसार के स्वार्थी स्वरूप को जाना कि फिर अलविदा करने का अवसर आ गया। फिर ये रिश्ते नाते ये सब व्यर्थ की बकवास, क्योंकि जिस समय तुम अंतर के रस को चखोगे ये सब इतना झूठा खेल दिखेगा तुम्हें। बेटा कहता है बाप से, पिताजी मैं आपका ही हूं आपका ही रहूंगा, ये सब झूठा नाटक लगेगा तुम्हें। बेटी बाप से कहती है मैं तो आपकी हूं पिताजी, आपको छोड़कर मैं कभी ना जाऊं, आप जैसा कहो ऐसा करूं। बाप बैठा है अपने घर में, बेटी बैठी है किसी और के घर में, फिर वो समझ जाता है संसार ये है, फिर ये आशा आकांक्षा अभिलाषा उत्कंठा संसार के संबंध में नहीं रहती, फिर वो यात्रा करता है अंतर की। ये बहुत जरूरी है, अनंत ज्ञानियों को जिन्हें भी अनुभूति हुई, अनुभूति से पहले ये होता है, और ये बोध ही तो अंतर की यात्रा का कारण बनता है। तुम उतने गरम गरम आग में जले नहीं कि आग से निकलो कैसे, तुम जलो तुम तड़पो कि फिर तुम आग से मुक्त हो सको। समय आया, ज्योत से ज्योत जले, एक अंतिम आकांक्षा एक अंतिम सपना मेरे जीवन का ये बाकी है कि मैं यहां अभी लौट कर आता हूं, यहां से बाहर निकलता हूं तब अंदर आने की कोई आकांक्षा नहीं, जब सुबह चलता हूं तब क्या इसी रास्ते से जंगल की यात्रा होगी, जब सुबह नहाने के लिए वस्त्र उतारता हूं अब क्या वस्त्र पहनने से पहले ही वो मुनि होने का भाव आएगा। मैं आनंदित हूं, अपने से आनंदित हूं और पर से सारे जगत के बोध को लेकर यहां बैठा हूं। पत्थर का कलेजा लेकर यहां बैठा हूं। सरदार पटेल लोह पुरुष होंगे, लोह पुरुष देश के लिए, मैं अपने चैतन्य प्रदेशों के लिए लोह पुरुष बनकर बैठा हूं। अब मैं कायर की भांति पीछे कदम न हटा सकूं, यात्रा आगे की होगी। फिर क्या, जन्म जयंती मनाओ, परम कृपालु देव के 151 बरस, 152, 153, 154, 155, फिर क्या, बस खत्म, आदि मत हो जाओ, ये जन्मदिन मनाने के आदि मत हो जाओ। तुम जागो तुम चेतो, ये तुम्हारे लिए इशारा है, और अब वह घड़ी भी आई। ज्योत से ज्योत जले, एक एक और अंतिम ज्योत से ज्योत जले, मुझे एक प्रज्वलित ज्ञान दीपक तो दिखाई दे, फिर मैं यहां से उठूं और तुम यहां बैठो। मुझे बैठने का शौक नहीं,
आग की भांति। ये अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा है। धू धू जलती ज्वाला को तुम देखते नहीं, ये अग्नि है। यहां आनंद नहीं, यहां अग्नि है, यहां जलना पड़ता है, यहां शीतलता प्रदान नहीं होती। ये अग्नि, ये ज्वाला धू धू जलती है, ये अग्नि तुमने देखा नहीं। मेरे आसन का रंग, ये अग्नि का आसन, ये अग्नि धू धू जलने वाली अग्नि जैसे, ऐसे ये अग्नि के जैसा रंग जहां मैं बैठा हूं वो मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे लिए यहां, ये तो मुफ्त में आकर बैठे मेरे दाई और बाई और, तो ये मुफ्त वाले हैं। मूल्य तुमने चुकाया, तुमने मूल्य चुकाया और ये फ्री में आकर के बैठे, उसके लिए समर्पण चाहिए। थोड़ी जल्दी करो, तुम पाओ, इतने बोझ से भर जाओ, अब फैलने में रुचि नहीं। बेटा जहां सड़े वहां सड़े, छोड़ो पकड़ छोड़ो। बेटी जहां मरे वहां मरे, तुम पकड़ छोड़ो, तुम सारे जगत से पकड़ छोड़ो। एक बार तो पर के लिए मर जाना ही चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री मर जाना चाहिए, वो आत्महत्या करने के लिए नहीं कहते, वे इसलिए कहते हैं कि तुम्हें पकड़ छूटे, तो अपने लिए सहज जीवन हो, जीवन सहज हो, और उस सहज जीवन में जो आनंद है वो नकली नाटकीय जीवन में नहीं। सहज अभी जागो, तुम तो धन्य भागी हो, तुम्हें इतनी अनुकूलता प्राप्त हुई है कि यहां बैठ सकते हो। लोग तरसते हैं कब निकले कब निकले, अभी बैग उठाकर निकलने ही वाले कि पति आ गया, अभी निकलने ही वाले कि ससुर आ गया। बैग पैक करके परदेश में लोग बैठे, एक देश में नहीं कितने ही देशों में, निकल नहीं सकते। तुम्हें अपने बारे में तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ये मिला है वो मुफ्त में मिला है, मुफ्त में नहीं मिला। ये महापुण्य का उदय है, क्योंकि जिस समय तुम्हारी आंख काम न करेगी तब पता चलेगा जिंदगी भर बुरी चीजों को ही देख देख करके आंख को बर्बाद किया, अब क्या तू धर्म करने बैठा। मगर चेत अभी कान काम करते हैं, चेत अभी तेरे पैर काम करते हैं, हाथ काम करते हैं, अभी शरीर कार्यरत है। चेत सके तो चेत, अभी अनुकूलता है।
सचमुच अनुकूलता है। मैं महापुण्य का उदय कहता हूं, और इस काल में, खास इस काल में, अभी तुम्हें डॉक्टर को और वकील को ढूंढना नहीं होता। क्या तुम डॉक्टर को ढूंढते हो, वकील को ढूंढते हो? यदि तुम डॉक्टर और वकील को नहीं ढूंढते और पुलिस तुम्हें नहीं ढूंढती, बस महाभाग्य है तुम्हारा। इसे मैं महाभाग्य कहता हूं। संतुष्ट मत होना कब में। कुछ मनुष्य ऐसे हैं पशु की भांति जी रहा है, और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य, अच्छा मनुष्य बनू, अच्छा मनुष्य बनू, ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। कि कुछ अच्छा मनुष्य बनू, मगर मैं उसे भी ठीक नहीं कहता। मैं तो उसे कहता हूं कि जो कहे कि मैं परमात्मा से कम होने में राजी नहीं, वो परम अवस्था है। क्योंकि मेरा स्वरूप ये है, मेरा अधिकार ज्योत से ज्योत जले, ये ज्ञान दीपक बोधामृत तुम्हारे लिए। एक एक बोधामृत में प्राण, मैंने कुछ बोधामृत के बारे में आपको बताया था। एक नौवा बोधामृत है, गुरुदेव के सामने कुशंका मत करना, निशंक। आत्मसिद्धि शास्त्र में भी नवी गाथा सदगुरु से ही संबंधित, यहां भी यही कहा। गुरुदेव के सामने कुशंका मत करना, यहां तो वो पाता है जो कहता है मैं नहीं जानता। नहीं जानता, यहां से शुरुआत होती है। ये रहा मैं नहीं जानता। सत्संग में बैठने का ये प्रयोजन, शिष्य का गुरु के साथ में एक न्यारा रिश्ता है। ये भी एक रिश्ता है, मगर ये रिश्ता भी कुछ न्यारा है। मुझे एक बात अब स्मरण में है, मैं बाजार से जा रहा, खिलौने की दुकान पर मैंने खिलौना देखा, तभी मुझे एक पति पत्नी मेरी पहचान के स्मरण में आए। उसका एक बच्चा है, छोटा बच्चा, बहुत मस्ती करता है।
वो बच्चा, मुझे लगा कि ये खिलौना मैं लेकर के जाऊं उस बच्चे के लिए, क्योंकि जो व्यापारी था वो ये कहता था कि ये खिलौना ऐसा कि टूटता ही नहीं, ऊपर से नीचे फेंकता था, इधर उधर ऐसा करता, टूटता ही नहीं खिलौना, बिल्कुल मजबूत खिलौना है। और वो जो बच्चा था वो इतनी मस्ती, खिलौना दुकान से लाए और घर तक पहुंचे उससे पहले ही तोड़ देता था। मुझे लगा ये खिलौना उस बच्चे के लिए खास अच्छा खिलौना है, मैंने खरीद लिया। वो जो पति पत्नी, उनको दे दिया कि एक खिलौना आपके बच्चे के लिए, वे खुश हुए। और मैंने ये बताया था कि ये खिलौना टूटेगा नहीं, बहुत महंगा है। 8 दिन के बाद मैं उनके घर पे गया, बच्चा भी था। उन्होंने कहा आपने जो 8 दिन पहले खिलौना दिया था ना, तो वो पूरा वाक्य बोले, उससे पहले ही मैंने बोला, क्या तोड़ दिया? उन्होंने कहा नहीं, खिलौना नहीं तोड़ा, उस खिलौने से दूसरे जो खिलौने थे वो तोड़ दिए, दर्पण फोड़ दिया, घड़ी का कांच फोड़ दिया। वो खिलौना ऐसा है, वो तो नहीं टूटता, मगर उससे दूसरे खिलौने टूट जाते हैं। शिष्य का गुरु के साथ में रिश्ता ऐसा है, गुरु के साथ में रिश्ता नहीं टूटता, ये रिश्ता ऐसा है, मगर ये रिश्ता ऐसा है कि उस रिश्ते से और रिश्ते टूट जाते हैं। नौवा बोधामृत जब लिखा गया था उस समय विवेचन करने का समय ही नहीं था, मगर शिष्य का गुरु के साथ क्या रिश्ता है वो मुझे उस समय स्मरण में आया था। व्यर्थ की उलझन में नहीं पड़ता, अप्रयोजन भूत कि कुशंका जहां होती है वो अप्रयोजन भूत में होती है, व्यर्थ में होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सहज यहां से मैं उठा, यहां से मैं उठा, मेरी मां की उम्र के है, दादी की उम्र के, मैं उनकी गोद में खेलता हूं, तुम देखते नहीं, इनको मैं कहता हूं मारी ढींगली, वो माता जी है, बहुत बड़े माता जी, उनके शिष्य बैठे, ये जो पीछे बैठे गुजरात से आए शिष्य, वही तो वही मारे कितना टका, मारी तो ढींगली। यहां से उठा कि फिर बस, मगर स्वरूप की बात में मैं कोई भी छूट न दूंगा, स्वरूप तो चैतन्य का ऐसा ही है, स्वरूप ऐसा ही, बाकी सब में तुम्हारा चलेगा, मैं ना कहूंगा। तुम कहोगे कि यहां सप्ताह में 3 दिन लौकी की सब्जी बनेगी, ठीक है खा लूंगा, तो 3 दिन के 4 दिन करने वाले हैं, ये गलत बता दिया आप, फिर रुकने वाले थे और प्रॉब्लम हो जाए, मगर वहां आपका चलेगा, आप जो कहेंगे वो चलेगा। व्यर्थ में कुशंका मत करना, जो तुम्हारा फील्ड नहीं है उसमें उलझना नहीं। इसलिए तो कहा कि गुरु के पास में जो अनुभूति है तुम्हें नहीं है, इसलिए चुप रह करके आप मुझे कहो। तुम देखते नहीं यहां पर जो शंका आती है, कभी कभी नहीं बोलना होता तो भी बोलने का भाव आता है, उनकी भावना को देखकर। मैं नहीं जानता,
मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आम तो बधु आवड़े छे पर खाली थोड़ूक ज बाकी छे, ते थोड़ू ही ते पछी त्याथी छीखी ना वो तो आए आयो सुका। वैसे तो सब आता है, सिर्फ थोड़ा बाकी रह गया। बैठे हैं यहां पर, इसलिए सामने नहीं बैठे, साइड में बैठे। सामने बैठने के लिए यहां ऐसे भी है जो सामने बैठे, अपने अपने गांव में कुछ कुछ लोग प्रवचन करते थे, यहां आकर के उनकी बोलती बंद हो गई, उनके हित के लिए होगा बस। तुम ये कला सीख लो बस, सब जानते मगर चुपचाप चित्त से जो सुने। सबकी सुनी पर नहीं सुनी, गुरुराज तेरी बात यह, पर बात सुनने से ही तो आत्म अनुभव होता नहीं। छैठाला में लिखा, वह छैठाला भी आएगी। एक गाथा बाकी बची, पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। 400 गाथा एक रात में लिखी गई थी, एक गाथा बाकी है। समय आने पर मैं बोलता रहता हूं बाकी की गाथा है। वो भी आपने सुन सुन करके लिख ली होती तो 400 हो जाती। लोग कहते 400 कहाँ है, 400 कहाँ है, तुम लिखो मैं बोलता हूं। ज्यादा चिपकना मत किसी भी पद से, किसी भी रिश्ते से। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है बस, प्रयोजन भूत बस। ये कला कभी मत छोड़ना, प्रयोजन बस इतना बस बात। शुरुआत में बहुत मीठा लगेगा मगर बाद में तुम देखो, आज तुम्हारी लिस्ट में जो भी शत्रु की लिस्ट कि इसके साथ में मेरी बनती नहीं पटती नहीं, वो जो लिस्ट में तुम नाम लिखो, 10 नाम तुम लिखो और तुम देखो कि वो जो 10 नाम तुमने लिखे उसे तुम पहली बार कहां मिले थे। पहले नाम लिखो और देखो पहली बार कहां मिले थे। युद्ध के मैदान में नहीं मिले थे, किसी अखाड़े में नहीं मिले थे, मिले थे तब प्रेम से, आओ 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 केम छो, राम राम, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, सब जो भी बोलते हैं वो। आयोजन क्या है हमारा घरे, आयोजन हमारा करे, आवे आवे आवे, पर सब झूठा था। थोड़े ही दिन में पता चल गया ये रिश्ते सब सच्चे थोड़ी होते। आओ जो आओ जो, पधारो पधारो पधारो। मैं तो लोगों के वहां जाता हूं, घर के अंदर प्रवेश करते ही सोफा के सामने ही काजू बादाम पिस्ता तरह तरह के इतने नट्स इतने भरे हुए, और वहीं पर ही धीरे धीरे वो सेठ भी आएगा, उसके साथ होगा इतना बड़ा कुत्ता, कुत्ता भी आएगा और पास में ही आएगा और कहे खाओ, और वो कुत्ते को देखो कि वो खाओ खाओ खाओ, पैसे वालों के घर पर देखा नहीं खाओ। फिर वो कहते नहीं नहीं काटता नहीं है, वो तेरे को नहीं काटेगा, काटेगा तो मेरे को काटेगा, तेरा कुत्ता तेरे को क्यों काटेगा, तेरा कुत्ता मेरे को क्यों। मगर वो कहते काटता नहीं, ये सब झूठा नाटक, सब झूठा। मगर ये जब पकवान रखे जाए तुम्हारे लिए थाली में, तुम देखते नहीं हो भोजन काउंटर पर 150-150 आइटम, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है 150 आइटम जैसे ऑटो रिक्शा लेकर के उसमें बैठ करके जाना पड़े पहली आइटम से अंतिम आइटम तक, कि कैसे पहुंचूंगा वहां तक। 150 आइटम मगर सब दिखावा कि उसने 100 तो फिर मैं 150 रखूंगा,
फिर वो 200 की तैयारी करेगा, खाकर गया, पहले के जमाने में नहीं था। मुझे अभी भी याद है गांव में ऐसा होता था, हम गामड़ा में आए हुए थे, हम पंगत बैठती थी, पंगत ऐसे, मुझे आज भी याद है एक आदमी मेरे सामने ही था, मैं तो बहुत छोटा बच्चा उस समय, मेरे सामने एक भाई साहब है, ए इधर आ, एक परोसने वाला है, इधर इधर थाली में क्या गिरा देख, क्या है थाली में? तो उसने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो डाल आदमी मेरे को आज भी याद रह गया, क्या किया? कुछ भी नहीं, तो और बासुंदी सामने वो आया कि बासुंदी लेके आ, पी जाता है बासुंदी आ रही है, वैसे बासुंदी पीता नहीं, मगर दूर से दिख गया कि उसकी थाली में बासुंदी डाली है, बस वही दो थाली दूर है। मगर वो दो आइटम में भी प्रेम था, अभी नाटक है सब सच्चा, मगर ये सब देख देख करके नफरत नहीं होती, संसार के स्वरूप को मैंने जान लिया, और स्वरूप को जान करके नफरत नहीं, नफरत कभी नहीं, मगर फिर चिपकना मिट गया, ज्यादा नहीं, लिमिट, बात खत्म हो गई। हमेशा याद रखना अंतर की यात्रा के लिए बहुत उपयोगी होगा ये मार्ग, ऐसा मार्ग है अंतर की यात्रा के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए यहां ज्ञान दीपकों के अतिरिक्त अब आगामी शिविर में कोई भी नहीं आएगा। रिश्तेदारों को तो मैं खास न बुलाऊंगा, रिश्तेदारों को, चाचा मामा ये वो नजदीक नजदीक के, देखिए वो रात को भोजन करते, उनके लिए मुझे भोजनशाला खुली रखनी पड़े, ये काम मैं न कर सकूंगा। यहां तो ज्ञान दीपक के लिए बस बात खत्म हो गई, यहां उनके लिए यहां कोई रिश्ता न चलेगा। हाँ तुम आओ साधना के लिए, द्वार खुले हैं, दो हाथ फैलाकर बाहें फैलाकर मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, मगर यहां पक्षपात किसी के लिए न चलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में यहां रहूंगा। मैं तो अब तैयारी कर रहा हूं जाने की, अब वो समय आया है, अब यहां पक्षपात न होगा, पक्षपात न होगा। एक स्थान ऐसा मैं इस पृथ्वी पर देखना चाहता हूं जहां खून का रिश्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि मिट्टी से मिट्टी प्रज्वलित नहीं होती, ज्योति से ज्योति प्रज्वलित होती है। बाप मिट्टी, बेटा मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी पैदा हुई मगर ज्योति नहीं, ज्योति तो गुरु के योग में जाकर के प्रज्वलित होती है। स्वरूप सबके लिए समान होगा, यदि रात्रि होती है तो भोजनशाला सूर्यास्त से पहले ही बंद हो जाएगी, यहां पर पक्षपात ना होगा। मैं तुमसे कहता हूं भले मैं बुरा लगूं, मैं दुनिया के लिए शत्रु बन जाऊं, मगर मैं ये काम मेरे हाथों से न कर सकूंगा, मेरा मार्ग न्यारा मार्ग है, मैं दुनिया को खुश रखना ना चाहूंगा, और सत्य बोल करके मैं शत्रु बन जाता हूं दूसरों का, मगर शत्रु तो वैसे भी किसी ना किसी का तो बनूंगा, फिर सत्य क्यों ना कहूं, इसके लिए मैं सत्य कहूंगा। सहज जीवन में जो आनंद है वो आनंद नकली में नहीं, ज्ञान का दीपक तुम्हारा प्रज्वलित हो, मैं कोई साधु संत की तरह कपड़े ये पहनता हूं ये मत समझना, मैं साधु संत नहीं, ज्यादा लोग आते हैं यहां एयर कंडीशन इतना फूल इतना चलता है कि मैं बोल नहीं पाता, फिर गले में जलन होने लगती है, ये ठंड से बचने के लिए मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई संत नहीं, ये चद्दर जो ओढ़ी है वो ठंड से बचने के लिए, साधु होने का दावा करने के लिए नहीं,
जैसे ही बाहर निकलता हूं निकाल देता हूं। आज जो मैंने कपड़े पहने, ये कपड़े मुझे कोई शौक नहीं है, आज सब कपड़े गंदे थे तो ये जो था वो पहन लिया। मैं तुमसे सच कहता हूं, इसमें ये मेरा असली रूप नहीं, कहीं पैर फिसल गया तो बार बार ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो सच कहता हूं। कृपालु देव को झुका कि अरे खड़े होते समय फिर गिर गया तो, मगर कपड़े सब गंदे थे। एक जोड़ी है वो गंदे, ये पुराने पड़े थे तो पहन ली, मगर मैं सच कहूंगा ये रहा मैं। क्योंकि दूसरों को खुश रखना और दूसरों से खुश रहना उनके लिए धर्म ही नहीं है। धर्म तो उनके लिए है, ना कोई किसी को खुश रख सकता है ना कोई किसी से खुश रह सकता है। और वो जो नेचुरल लाइफ, एक सहज जीवन, उस जीवन का आनंद तुम जानोगे। जो भी हो सत्य अंतर से हो, स्वयं का हो, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित। रिश्तेदारी में कोई मर जाए, किसी की शादी हो, मैं किसी की शादी में नहीं जाता। मेरे सगे भाई की शादी हुई, बड़े भाई की शादी हुई, छोटे भाई की शादी हुई, मैं नहीं जाता, मैं चाहता ही नहीं। कैसा लगेगा? लोग क्यों जाते हैं? लोग इसलिए जाते हैं कि दूसरों की शादी में जाओ, जिससे कोई आपकी शादी में आए। जब मुझे शादी करनी नहीं तो मैं जाऊं क्यों? मारा घर मांडवा को न थी तो बिजारा मांडवा भरचक करवा संख्या उधारो मारा सु कम जाओ। और जिस दिन तुम्हें ये इतनी गहराई में छू जाए कि मैं मरने वाला नहीं हूं तो दूसरा मरे तो मैं काई खोज जाऊं, ऐसा ही। जब वो मुनि हो जाता है तब वो दशा भी आती है, वो उस सीमा में, उस दशा में, उस स्थिति में पहुंचता है, उस स्थिति में पहुंचता है। सहज रूप से, सहज, उसमें आनंद है, अपूर्व आनंद है। चाचा को कैसा लगेगा, मामा को कैसा लगेगा, बुआ को कैसा लगेगा, इनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, मगर तुम्हें कैसा लग रहा है ये बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? और मैं पहले से ही ऐसा, मेरी खोपड़ी ऐसी है। जो लोग मेरे साथ में ज्यादा रहे उनको पता है। बचपन से ही, 7 साल का था तब मैं चावल नहीं डालता था, वो तस्वीर आप देखते हो, पिताजी कहते चावल डाल, मैं कहता ये चावल डालू, इतना धर्म हो गया। मैं, मुझे आज भी याद है 7 साल की उम्र की तस्वीर जो आप देखते हो डॉक्यूमेंट्री में। मैं तो इस लोक का नहीं, यहां मुलाकात के लिए आया हूं। अब वो मुलाकात का अंतिम स्टेशन भी आ गया, अब तुम मुझे विदाई करने आए हो। अब ट्रेन आ चुकी है, चलने की देरी है।
आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं आप परमात्माओं का ऋणी हूं। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अंतर की भावना से ओ